ओहो, ये देखिए तो कलश प्लेट का पूरा क्या हाल हो चुका है, पूरा लेदर ही खत्म है भाई। ये देखिए किस तरह हो गया है। और ये जो लोडिंग के टच रहता है ना, लोडिंग के साइड हाइट वाला, उसका तो पूरा काम तमाम है, उस साइड थोड़ा बचा है। इसका पाउडर देखिए, पाउडर में कितना लेदर आ चुका है। हेलो दोस्तों, जैसा कि आज ये जो इंडिका दिख रही है, ये इस इंडिका में क्या हो रहा है, जब हम गाड़ी को गियर में डाल के और चलाने का प्रयास कर रहा हूँ तो गाड़ी तो चल रही है लेकिन उस तरह का मूविंग नहीं है जिस तरह का मूविंग रहता है इस गाड़ी में। तो दोस्तों ये है गाड़ी, टाटा इंडिका का जो डाइकर इंजन है वो है। और इसमें मुझे चेक करने पर क्या मिला, जो इसका ये क्लच प्लेट होता है, ये क्लच प्लेट शायद ख़राब हो चुका है। जो क्लच पैडल है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, दबाने को दबा रहा हूँ तो जो पैर है वो दर्द कर रहा है। तो गाड़ी वाले का क्या कंप्लेन है, माइलेज भी मर गया है, पिकअप नॉर्मली ठीक है लेकिन माइलेज नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने पूरा चेक किया तो मुझे डाउट गया इसका क्लच प्लेट पे। तो दोस्तों ये टाटा इंडिका गाड़ी है, डाइकर इंजन, जो पता ही है इसका क्लच खोलने में थोड़ा तकलीफ़ होता है, लेकिन किस वजह से ये जो गाड़ी में पिकअप नहीं है और नॉर्मली माइलेज क्यों नहीं है, वो तो मुझे डाउट 100% 75% जो है वो क्लच प्लेट के वजह से ही ऐसा होता है। तो आइए इस गाड़ी को मैं क्लच रिमूव करता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्लच जो होता है वो कैसे बर्न हो चुका है और क्या फॉल्ट है। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि क्लच प्लेट इस गाड़ी का कैसा है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बहुत ही मेहनत करने के बाद इसका जो गियर बॉक्स है वो देखिए बाहर निकल चुका है और इसका रिलीजर बैरिंग भी पूरा ख़त्म है। डस्ट तो इतना निकला है ना, ये डस्ट देखिए, डस्ट ये पूरा कैसा निकला है, बहुत ही क्लच प्लेट पे आप पाँव डाल के चलाइएगा। इसका भी देखिए, बार बार इसका तो काम ही तमाम हो गया, एक तरफ का पूरा लेदर ही उड़ गया है। ये लोडिंग की तरफ ये हाइट वाला रहता है और इसका तो पूरा काम ही तमाम हो गया, इसी से तो गाड़ी चलता है। देखिए क्लच पेडल पे पैर डाल के चलाने की वजह यही है, हाफ क्लच में गाड़ी मूव छोड़ेंगे चलाएंगे यही होता है। तो जैसा कि दोस्तों ये नया क्लच प्लेट है जो वैल्यू का है, इसको गाड़ी के अंदर कैसे फिलअप किया जाता है दोस्तों, इसको मुझे प्राइस जो पड़ गया वो 4300 कुछ रुपए के आसपास में पड़ गया। ये वैल्यू का क्लच प्लेट है, तो इसको चलिए गाड़ी में कैसे डाला जाता है आपको दिखाता हूँ और स्टार्ट करके दिखाता हूँ गियर कैसा गिर रहा है। तो यहाँ पे पूरा फिटिंग हो चुका है और गाड़ी के स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्टार्ट कीजिए। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो स्टार्टिंग भी बहुत बढ़िया हो चुका है, फिटिंग भी बराबर हो चुका है और गियर में आपको डाल के देखता हूँ गियर पहले के मुकाबले अभी स्मूथ गिर रहा है या क्या गिर रहा है। चलिए गाड़ी के पास चलते हैं और आपको फिर दिखाने का प्रयास करूँगा। जय, थोड़ा गियर डालिए, थोड़ा फर्स्ट से फर्स्ट, अब सेकेंड डालिए, सेकेंड सेकेंड डालो, जय सेकेंड दोस्तों पर गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ डालिए। हाँ ये ना लगा गियर, बिल्कुल इस तरह स्मूथ से गियर पड़ना चाहिए, एकदम बढ़िया। तो जैसा कि दोस्तों इस गाड़ी को जो यहाँ पे गाड़ी है इसको मैंने नया क्लच प्लेट भी डाल दिया, आपको दिखाया है जो वैल्गो का जो क्लच प्लेट होता है वो मैंने डाल दिया। इसका लगभग मुझे प्राइस पर गया 4300 कुछ रुपए के आसपास। क्लच प्लेट नॉर्मली सभी ड्राइवर 1-1.5 लाख किलोमीटर चलाते हैं, जो जिनको मतलब एक्सपीरियंस है, जो नए हैं वो जल्दी जला लेते हैं क्लच प्लेट। तो आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास किया हूँ कि ये जो गाड़ी है इस गाड़ी में कैसे रिमूव किया जाता है और क्लच प्लेट का क्या हाल हो चुका था। आप लोग तो देखें, इसके वजह से गाड़ी झरक ले रही थी और गियर सही से मोशन नहीं ले रहा था, गियर इंगेज नहीं कर रहा था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।